अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और कुछ खास नहीं, घर के काम ही हैं और कुछ भी नहीं। सो मैंने सोचा कि इंट्रो जो है शूट कर लेती हूँ। और आज उनको जो मेरी नंदे वगैरह गई हुई हैं सास, उनको फोर्थ डे है तो उन लोगों ने आज वापस आना है। तो क्या है सर, उन लोगों ने वापस आना है तो उन्होंने जी फरमाइश की है उमेर को मैसेज करके कि बिरयानी बनानी है। सो वो जानते भी हैं कि कुकर भी ख़राब है, गैस भी नहीं है। सो देखते हैं कि बनती है या नहीं खाना। तो मतलब कल मैंने लोबिया चावल बनाए थे तो वो पड़ा हुआ था, तो अभी देखते हैं कि बनती है या नहीं, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा और कुकर का तो ख़राब हुआ हुआ है। वो बिल्कुल भी गोश्त जो है वो नहीं गलाता क्योंकि उसके जो प्रेशर्स हैं वो ख़राब है। सो अभी देखते हैं बनता है या नहीं, और ऑब्वियसली बात है बनाना तो पड़ेगा। सो जाते हैं किचन में और मैंने सोचा कि इंट्रो शूट कर लूँ, और हसन भी मेरे साथ है। सो गोश्त निकाल के रखा हुआ है, अभी वो डीफ्रोज होगा और उसके बाद जो है मैंने साफ़ करना है उसको, क्योंकि जो जब कुर्बानी का होता है तो वो उस टाइम वैसे ही पैकेट बना के रख लेते हैं तो साफ़ नहीं करते। तो अभी जो है, हाँ जी, अच्छा, तो इसलिए जो है वो भी खुलेगा तो उसको साफ करूंगी। सो अभी ये काम करना है, और मतलब गैस का इतना कोई इशू है ना, गैस हो तो बंदा आधे घंटे में खाना जो है वो रेडी हो जाता है, लेकिन गैस और कुकर दोनों ने ऐसा जलील किया हुआ है ना कि बस। सो अभी यही काम करना है, और इसके अलावा जो हसन है, और इसके अलावा कल मेरी बहुत 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 सेर तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। सो कल इतना व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था तो पुराना रिकॉर्ड ही मतलब मिक्स करके जो है वो मैं डाल दूँगी इससे पहले वाला जो व्लॉग होगा। सो तबीयत ख़राब थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, सो यही चल रहा है और बस काम तो लगे ही रहते हैं। हसन देती हूँ एक सेकंड। सो आपने क्या करना है, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हसन जो है बार बार बर्फ़ मांग रहे हैं क्योंकि इसने बर्फ़ खानी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। ये जी गोश्त निकाल के रख दिया है और अभी डीप फ्रोज होगा, फिर उसको साफ़ करेंगे, अच्छे से वॉश करूँगी, फिर जो है चढ़ाऊँगी और फिर इनके लिए जो है नंद और सास के लिए जो है खाना बनेगा, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी फाइनली जो है मैंने गोश्त वगैरह साफ़ कर लिया है, कट कर दिया है, अब इसको चढ़ाते हैं। यहाँ पे जी मैंने टमाटर जो हैं वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे क्योंकि वो ऊपर फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो इसलिए जो है डीफ्रोज करके ग्राइंड कर लिए थे। और मसाला जो है इसका बन रहा है, और ये बन रही है बीफ की बिरयानी। और ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, सो क्या डेली में जो है बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँ। सो बड़ी सिंपल ईजी होती है मेरी जो बिरयानी जो मतलब है रेसिपी। और ये जी चावल और गैस का इतना कोई मसला, इतना इशू है कि काफ़ी टाइम हो गया था और वो लोग आ भी गए थे जो है मेरी सास और नंदे, और खाना जो है वो बन रहा था। और यहाँ पे जी दम लगाने के लिए जो है हमारी बिरयानी जो है रेडी है, और पुदीना नहीं था वरना मैं पुदीना हमेशा जो है ऊपर डालती हूँ, उससे ये होता है कि मज़े का एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है। सो बड़े मुश्किल से जो है फाइनली 3-4 बजे तक जो है हमारी बिरयानी है वो रेडी हुई है गैस की वजह से। और ये देखिए दम इसका फाइनल, इसकी लुक। और अब ये हम सारे जो है लंच करेंगे। सो ये रात का टाइम है और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, और इसके अलावा जो है नंद को लेने जाना था, जो छोटी नंद थी वो मरी से आके जो है अपने ऑफिस चली गई थी तो उसको पिक करना था, और इसके अलावा जो हसन के पैंपर्स वगैरह ख़त्म हो गए थे वो लेने थे, दूध वगैरह ख़त्म था वो लेना था। सो अभी ये मैं और हसन आए थे बाहर देखने के लिए, बारिश काफ़ी माशाल्लाह हो रही थी। सो मेहर को मैंने कहा कि चलते हैं क्योंकि फिर ये होता है कि स्टोर बंद हो जाता है, और 8-9 बजे का टाइम था तो उसको भी पिक करेंगे, तो पहले उसको पिक करेंगे फिर जो है ग्रॉसरी करेंगे इसकी। सो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, और सीन ये हुआ कि नंद को काफ़ी टाइम हो गया था तो 10 बज गए थे, तो हमारा जो है ग्रॉसरी का प्लान जो है वो ख़त्म हो गया था क्योंकि स्टोर बंद हो गए थे। सो इसलिए जो है फिर कल हम जो है फिर दोबारा जाएंगे, ऐसे ही वापस आ गए थे उसको पिक करके, क्योंकि घंटा वहाँ पर वेट 1.5 घंटा वेट किया था। अम्मा खुश हो गए शाम को ना हो, मेरी मम्मा रोएगी, कल ना हो उधर रुक जाओगे सही में, सही में बता दो, फिर मम्मा शाम को ना आए, मैं कल आए, कल आओगे
आज नहीं अम्मा, अम्मा के घर से आज नहीं आओगे? आओगे बता दो, आज या कल? मैं कल आए। कल आएगा। ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पे जो हसन जो है अम्मी लोग आ गए थे उसको लेने के लिए और वो चला गया था, तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। और ये देखे सारा जो है डस्टिंग वगैरह कर ली थी और साफ़ सुथरा जो है रूम हो गया था। और हसन जो है अपनी नाना नानों के गया हुआ है, तो उमेर जो थे वो ऑफिस गए हुए थे। और वैसे ही होता है कि मतलब उन्होंने लेके जाना होता है तो वो खुद आ जाते हैं लेने के लिए, या मेरी बहन आ जाती है ड्राइव करके, या अब्बू आ जाते हैं। सो यहाँ पे जी दिन का खाना बनाने लगी थी और ये सेकंड डे है, ये दो दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे जी बनाने लगे थे कद्दू और जो बिल्कुल पिसे हुए होते हैं, मेरे ससुराल वालों को इस तरह के पसंद है, सो फिर मुझे उसी तरह के बनाने पड़ते हैं जिस तरह उनको पसंद है। सो आलू जो है मैं अपनी मर्ज़ी की वजह से डाल रही थी क्योंकि मुझे मतलब इस तरह वो थोड़ा सा होता है ना आलू बंदा करे। और इसको जो है मैं कुकर लगा लूँगी। और मतलब यहाँ पे ये होता है कि बैंगन भी इस तरह खाए जाते हैं चावलों के साथ, और ये जो है कद्दू भी चावलों के साथ खाए जाते हैं। देखिए इस तरह करके बिल्कुल ग्रैंड टाइप के, लेकिन हम लोग मतलब जो मेरे अम्मी की तरफ होता है वो ऐसे नहीं खाते। तो ये देखें चावलों के साथ जो है ये होने वाले रेडी। इसको मैं थोड़ा सा मैश कर रही थी, जैसे मैश वो नहीं होते वैसे। और ये जी दिन का खाना। और यहाँ पे कैमरे पे जो है वो उसकी भाप पड़ी थी तो इसलिए, और चावल जो है वो आजकल इतना कोई मसला है, पता नहीं यहाँ पे ही मसला है या हर जगह मसला है गैस का, कि गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सो ये मैं अपना खाना ले आई थी और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा रेस्ट करना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी जो है बैक, पूरी जो मेरी बैक है वो पेन कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ये जी फिर हम शाम को हसन को लेने जा रहे थे तो हमने कहा ग्रॉसरी कर लेते हैं क्योंकि हसन के जो पैम्पर्स हैं बिल्कुल ख़त्म थे, दूध भी वो जो था वो लेना था मंथली, और इसके अलावा जो है छोटे बच्चे जो मतलब मेरे नंद के बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें लेनी थी। और मतलब इस तरह जो होता है खाने पीने की चीज़ें वगैरह और ऐसा पापड़ वगैरह जो होते हैं वो लेने थे, तो सबके लिए जो है चीज़ें ले ली थी। और यही होता है। और अभी जो है मैंने अपनी ग्रॉसरी नहीं की थी और वो पहले जो है मैं कर चुकी थी। और आज का इतना रश था क्योंकि मंथ का स्टार्ट था ना, तो बहुत ज़्यादा स्टोर पे रश था और बहुत लोग यहाँ से जो है ग्रॉसरी करते हैं। हम तो मतलब बचपन से ही, मैं मतलब यहाँ पे आ रही हूँ तब तो बहुत छोटा सा था, अब तो इन्होंने बहुत एक्सटेंड कर लिया है। सो चीज़ें वगैरह ले ली हैं और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और 14 अगस्त भी आने वाली है और ये देखें जो है झंडे वगैरह जो हैं आए हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे बच्चों के लिए जो चीज़ें अलग करे थे।